सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोमेट्रम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और एस्ट्रोमित्रम बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोमित्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम आपकी दैनिक महाभाग्यशाली राशियां बताने जा रहे हैं। मित्रों 13 मई 2018 रविवार का दिन है और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि है। तो मित्रों हम आपको महाभाग्यशाली राशियां बताएंगे, उससे पहले हम आपको बताएंगे कि ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी और ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही निर्धारित होता है कि कौन कौन सी राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। ग्रहों के राजा सूर्य देव मेष राशि में रहेंगे, वहीं चंद्रमा मीन राशि में दोपहर 11:48 तक रहेंगे, उसके बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह मकर राशि में रहेंगे, बुध ग्रह मेष राशि में होंगे, गुरु तुला राशि में होंगे, शुक्र वृषभ राशि में होंगे, शनि धनु राशि में, वही राहु कर्क राशि में और केतु मकर राशि में होंगे। तो इस ग्रह स्थिति के अनुसार मेष वृषभ मिथुन सिंह तुला धनु मकर और कुंभ राशि वाले महाभाग्यशाली रहने वाले हैं और यह राशियां महाभाग्यशाली रहेगी जिससे इनको धन लाभ होगा, बड़ा फायदा होगा और सोचे हुए काम इनके पूरे हो जाएंगे। छुट्टी का दिन इनके लिए खास रहेगा, ये लोग खुद के लिए समय निकाल पाएंगे, कामकाज की टेंशन समाप्त हो जाएगी, नए कार्यों की योजना बनेगी, नए लोगों से मुलाकात होगी। इसके अलावा कर्क कन्या वृश्चिक और मीन राशि वाले लोगों को संभल कर रहने की आवश्यकता भी रहेगी। तो मित्रों हमने आपको बताया कि कौन कौन सी राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।